प्राणधर सुंदर साथी एवं प्रेम प्रेमी सज्जनवृंद, सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि लोहड़ी का पर्व क्यों मनाया जाता है, लेकिन कई बार हम उन कारणों के विषय में विचार नहीं करते और उनसे मिलने वाली शिक्षा के विषय में भी विचार नहीं करते। लोहड़ी के विषय में एक बहुत ही प्राचीन कथा है जो पंजाब में चला करती है, और लोहड़ी गाई भी जाती है तो उसी व्यक्ति को याद करके गाई जाती है। एक दुल्ला भट्टी नाम का जाट व्यक्ति था, कहने को लोग उसे कहते हैं कि वो लुटेरा था, लेकिन वो लुटेरा वैसा ही था जैसे जैसा नाम इंग्लैंड में रॉबिन हुड का है, उसी तरह से पंजाब में दुल्ला भट्टी का नाम है कि वो भी अमीरों को लूट करके गरीबों में बांटने का काम किया करता। और एक बार उसको पता चला कि सुंदर मुंदर नाम की दो लड़कियां हैं, और उसके चाचा ने, उन दोनों लड़कियों के चाचा ने उन दोनों को एक जमींदार के पास बेच दिया, जमींदार को सौंप दिया था। और जब उस लुटेरे को पता चली, जब दुल्ला भट्टी को ये बात पता चली कि दो लड़कियां संकट में हैं, तो उसने उस जमींदार को लूटा, अर्थात जमींदार के पास गया वो, और उन दोनों बहनों को, सुंदर मुंदर को मुक्त कराया, और फिर एक जगह पर आग लगाई और उस आग को परिक्रमा करके, जैसे फेरे देते हैं शादी में, वैसे ही उन दोनों बहनों की शादी करवा दी थी। तो ये कहानी है लोहड़ी मनाने के पीछे का एक कारण। दूसरा एक कारण और भी है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, और इस समय में सर्दियों में जो रबी की फसल कहलाती है, जैसे मूंगफली है, तिल है, गन्ना है, ये सब फसल हो रही होती है, तो आज ही के दिन बहुत सारे लोग भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर आग में कुछ कुछ आहुति डालते हैं, मूंगफली, तिल इत्यादि की, गुड़ इत्यादि की आहुति डालते हैं, और ये कहते हैं कि जिनकी जिस परमात्मा की कृपा से हमें ये सब फसल प्राप्त हुई, उसको हम याद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दो कारण है। जब मैं पहले कारण के विषय में विचार कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक डाकू हो करके भी उसके अंदर ऐसी मानवता है, और हम सुंदर साथ हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक होने की जब बात करते हैं तो हमारे अंदर कैसी मानवीयता होनी चाहिए। दुनिया में कठोर से कठोर व्यक्ति भी होता है, तो उसके हृदय में कहीं ना कहीं प्रेम का एक कोना होता है, जैसा कि हमने कई बार चर्चा में सुन रखा है, प्रवचन में सुन रखा है, कि शेर जैसा कठोर प्राणी भी जब अपने माद में जाता है तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए उसके हृदय में स्नेह होता है। अब सोचिए कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए। जब हम वाणी के आधार पर एक चौपाई कहा करते हैं, सुख शीतल करुण संसार, संपूर्ण संसार को सुखी और शीतल अर्थात आनंददायी करने की बात हम करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए। सोचे कि एक डाकू के अंदर इतनी महान भावना है कि दो लड़कियों को वो एक जमींदार के कब्जे से छुड़ा रहा है। हाँ, किसी को लूटना भी गलत है, लेकिन वो जिस परिस्थिति में कर रहा था उस अवस्था में कुछ चीजें सही थी, क्योंकि उस समय आज की तरह न्याय व्यवस्था तो थी नहीं। आज वर्तमान में हम यदि लोहड़ी का पर्व मनाना चाहते हैं तो हम ये शिक्षा लें, क्योंकि अभी सर्दियों का समय चल रहा है, आप देखते हैं कि फुटपाथ में या फिर किसी पुल के नीचे, सड़क में जो ओवर ब्रिज होती है उसके नीचे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी सो रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब पड़े होते हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल या पहनने के लिए कोई वस्त्र, गर्म कपड़े भी नहीं होते। तो यदि हम वास्तव में लोहड़ी मनाना चाहते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, तो न केवल अपना सुख अपितु संपूर्ण संसार का सुख देखते हुए, बहुत नहीं तो अपने अपने स्तर पर भी यदि हम प्रयास करें, इसमें नाम की आवश्यकता नहीं है, हमें शोहरत की, हमें इज्जत की इच्छा नहीं होनी चाहिए इस काम को करते हुए। मैंने बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसी ऐसी खबरें पढ़ी है, ऐसी ऐसी जानकारी मैंने पढ़ी है, जिसको देख करके लगता है कि हम तो अभी बहुत पीछे हैं। यूरोपीय जितने देश हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिसमें पेड़ों पर कपड़े बांध दिए जाते हैं, और उसमें लिख दिया जाता है कि यदि आपको जरूरत है तो आप यहाँ से ले जाइए, और आपके पास यदि ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो ला करके यहाँ रख दीजिए ताकि जरूरतमंद लोग उसका प्रयोग कर सके,
आज हाँ उनकी देखा देखी हमारी भारतीय परंपरा में भी बहुत सारे युवाओं ने ये काम शुरू किया, लेकिन ये काम हम अंग्रेजों की देखा देखी ही क्यों करें। जो धार्मिकता जो आध्यात्मिकता की भारत ने पूरे विश्व को देन दी है, वही आध्यात्मिकता हमारे अंदर अभी क्यों नहीं है। सिर्फ शब्दों से ये कहना कि हम आध्यात्मिक हैं, हम सबके प्रति समान भाव रखते हैं। एक कहावत कही जाती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, अथवा आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो अपने जैसा सभी प्राणियों को समझता है वही वास्तव में पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, धार्मिक है और आध्यात्मिक है। तो हम भी आज लोहड़ी के दिन और कल मकर संक्रांति भी आने वाली है, इस दिन स्वयं के सुख में उन लोगों को भी शामिल करें जो अपने बलबूते पर ऐसे सुख में सहभागी नहीं हो पाते, वही हमारी सच्ची लोहड़ी अथवा सच्ची मकर संक्रांति होगी। बस इतना ही कहते हुए आपको आप सभी दर्शकों को एक बार फिर मैं और संपूर्ण श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ परिवार की तरफ से लोहड़ी तथा मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।